आप देख सकते हैं बच्चों को सर में ऑयल लगा रहे हैं, बच्चों को कह रहे हैं आओ तुम लोग के सर में हम ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है, ऑयल करके तुम लोग अच्छे से शावर ले लो, उसके बाद जुम्मे के नमाज पढ़ने चले जाए, ऑयल लगा लो शावर ले लो, क्या नाश्ता करोगे बताओ, ब्रेड और हाफ फ्राई अंडा, मैं जा रही हूँ तुम लोग को नाश्ता दे रही हूँ, नाश्ता यहाँ मैं बच्चों को ब्रेड टोस्ट कर रही हूँ। बच्चों ने कहा मम्मी बटर नहीं लगाइए, घी में हल्का फ्राई कर दीजिए। मैं उनकी ब्रेड को घी में फ्राई कर रही हूँ। ये बासमती चावल मैं 2 घंटे से फुला के रखी हूँ। चिकन यहाँ विनेगर मैं डाल रही हूँ, चिकन सॉफ्ट हो जाता है, आधा घंटा मैं इसे फुला दूँगी विनेगर देके। मैं 3 डब्बा चावल ली हूँ, 6 डब्बा पानी मैं नाप के अभी बॉईल करूँगी।
चावल के हिसाब से 6 डब्बों में पानी यहाँ ली हूँ। आज हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल खुशका आलू गोश कुरमा। अब खुशका तुम लोग बताओ खाके कैसा हुआ। ठीक है, आलू कुरमा ये बच्चे लोग आ गए हैं नमाज पढ़ के, बोल रहे मम्मी खाना खाए, खाना दीजिए, भूख लगी बहुत ज़ोर से। आज जुम्मा है, कुछ तो कुछ नया बनना चाहिए ना। बच्चों लोग की फरमाइश में ढाबा कुरमा बना रहे, चिकन आलू गोश्त का और खुशका। बच्चे लोग खा के बताओ कैसा बना है। ठीक है, खाओ बताओ कैसा बना, अच्छा बना है या ख़राब बना। जी अस्सलाम वालेकुम आई टू फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से, बहुत मज़े में, बहुत खुश होंगे। हम भी बहुत खुश हैं। आज जो भी कुछ करेंगे सारा दिन सब कुछ आपसे शेयर करें। ये आज मेरी शाम की चाय। आपकी चाय हुई? मेरे हस्बैंड आज बोले हैं गुलाब जामुन बनाने, आज मैं उनकी फरमाइश में गुलाब जामुन बनाऊंगी। ये आधा किलो मैं मावा मंगाई हूँ। आज जुम्मा भी है वैसे भी, वो हमको 2-3 दिन से बोल रहे थे बनाने के लिए। मैं सोची बीच में आयुष का बर्थडे पड़ गया तो मैं सोची आज जुम्मा है आज ही मैं बना देती हूँ, बच्चे लोग भी खुश हो जाएंगे। जैसे जैसे मैं बनाती जाऊंगी मैं आपको दिखाती जाऊंगी। ये मैंने चीनी लिया है 250, इसका शीरा बनाने के लिए। ये हम 250 चीनी, 250 से कम। अब मैं इसमें थोड़ा सा किमाम बनने दूंगी, इसमें 2 फोड़। जब किमाम बनेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें 2 दाना मैं इलायची डालूंगी तोड़ के। ये मैंने पूरा 1/2 किलो मावा, मैंने इसे कद्दूकस से मैंने ड्राई कर दिया। ये मैं इसमें 200 ग्राम के हिसाब से मैं मैदा दी, 1/2 किलो मावा है, 200 ग्राम के हिसाब से मैं मैदा दी। बेकिंग पाउडर क्या है? ये हम थोड़ा सा इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे, बेकिंग सोडा नहीं,
बेकिंग पाउडर जो केक में पड़ता है, ताकि ये सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगा और फुला फुला रहेगा। इसमें अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा सा दूध में मिक्स करेंगे। दूध लेके आते हैं इसी में। ये हम थोड़ा सा ये मैंने थोड़ा सा इसमें दूध देके आटा की तरह हल्का सा मैंने गूंद लिया। अब से मैं गोल गोल साइज आप अपने हिसाब से, जितना बड़ा जितना छोटा आप रखना चाहे आप अपने साइज के हिसाब से। मैं थोड़ा घी देना भूल गई थी, मैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा घी दूंगी ताकि अंदर ये सॉफ्ट सॉफ्ट रहे। यहाँ देखिए मैं सीधा सुमाम बनाई हूँ, क्योंकि माम में आप चाहे तो रंग भी दे सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, ये आपके खुद की अपनी मर्जी है। इसमें मैंने इलायची पाउडर डाला है। अब ये मैं किमाम को इधर हटा के रख दूंगी। अब मैं इधर रिफाइन ऑयल, मैं रिफाइन ऑयल डाल दूंगी। अब मैं ज़्यादा गर्म नहीं करूँगी, ना ज़्यादा ना एकदम लाइट टेम्परेचर में, लाइट टेम्परेचर में तेल रहेगा। अभी जब मैं फ्राई करके इसे निकालूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। ट्यूशन जा रहे? ठीक है। गए? जाओ। और आप गुलाब जामुन खाना, ठीक है? गुलाब जामुन बना के रखेंगे आपके खाने के लिए। ठीक। ये मेरा गुलाब जामुन मैं गोल गोल बना चुकी हूँ। अब मैं इसमें तेल ज़्यादा टेम्परेचर में नहीं है, अब मैं इसे डालूँगी हल्का हल्का। ये मैंने गुलाब जामुन देखिए मैं फ्राई कर चुकी हूँ। ये थोड़ा फर्स्ट तेल में मैंने डाला था ना, थोड़ा ज़्यादा लाल हो गया और बाकी ये सब ठीक है। अब मैं यहाँ किमाम बना के रखी हूँ। किमाम में मैंने इलायची की पाउडर डाला है। आप चाहे तो इसमें ज़फ़रानी रंग भी डाल सकते हैं, पर हम ज़फ़रानी रंग दिए नहीं। इसमें अभी हम पाती नींबू देंगे ताकि उसमें शाइनिंग आएगा। पाती नींबू अभी हम देंगे आपको दिखा के। ये मैं पाती नींबू दस मिनट बाद जब हम निकालेंगे तो हम आपको दिखाएंगे। ये मेरा गुलाब जामुन बन के रेडी हो गया। अब मेरी बहन आई है, देखिए उससे पूछते हैं, देखो खा के कैसा बना है गुलाब जामुन।
गुलाब जामुन को थोड़ा गुलाब जामुन की तरह सजाएंगे तभी अच्छा लगेगा। ये हम अपने बेटे को थोड़ा देखते हैं कैसा बना। यास्मीन देखो ये गुलाब जामुन हम बनाए, बताओ खा के कैसा हुआ। पर हम पहली बार बनाए हैं, बताना कैसा हुआ। आज हम ये गुलाब जामुन बनाए, जुम्मा था आज, इसलिए जुम्मा स्पेशल रेसिपी। आप लोग बताइएगा कि हम कहाँ सही किए हैं कहाँ गलत किए हैं। गलत किए तब भी बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में और सही किए तब भी बताइएगा। आज का व्लॉग हम ही कर रहे हैं और मम्मी को कुछ काम है, तो आज के व्लॉग में इतना ही। कल मिलते हैं एक नया व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।